अभी तक हमने बेसिकली ये देखा है फ्रेंड्स कि कैसे रीडिंग जो है, बुक्स जो है, वो ज्यादा एक्सेसिबल होने लगी, कैसे उनका यूज भी वेरी होने लगा, कैसे बेसिकली प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट हुआ, कैसे सोशली उसने इंपैक्ट किया, पॉलिटिकली उसने इंपैक्ट किया। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि 17th और 18th सेंचुरी में कैसे रीडिंग फर्दर एक्सपैंड हो गई विद द एक्सपैंड ऑफ लिटरेचर, लिटरेसी। लिटरेसी जब एक्सपैंड होने लगी, जब लिटरेसी स्प्रेड होने लगी, लोग और एजुकेटेड होने लगे, तो रीडिंग भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब लोग खुद पढ़ सकते थे। हमने देखा था पहले लिटरेसी रेट्स काफी लो थे 16th सेंचुरी में, लेकिन 17th और 18th सेंचुरी में ये लिटरेसी रेट्स बढ़ने लगे, और जैसे ये लिटरेसी रेट्स बढ़ने लगे, साथ ही साथ ये जो रीडिंग है, रीडिंग पॉपुलेशन है, वो भी इंक्रीज हो गई। तो एज लिटरेसी रेट्स गो अप, लिटरेसी रेट्स बूम कर गए, ऊपर चले गए। इन 17th एंड 18th सेंचुरीज लिटरेसी रेट्स वेंट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। ये क्यों ऊपर गए? क्योंकि इस टाइम पर चर्चेस जो थे, चर्चेस दे सेट अप स्कूल्स इन इंग्लैंड एंड लिटरेसी स्प्रेड टू पेजेंट्स एंड आर्टिशंस। पेजेंट्स और आर्टिशंस तक लिटरेसी पहुंची जब चर्चेस ने इंग्लैंड में स्कूल लगाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे ये लिटरेसी स्प्रेड हुई, वैसे ही बुक्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अब लोग पढ़ पा रहे थे, क्योंकि अब लोग पढ़ सकते थे, उनके लिए बुक की डिमांड इंक्रीज हो गई। सो डिमांड्स फॉर बुक्स इंक्रीज्ड एंड देयर प्रोडक्शन आल्सो बूम्ड, उनके प्रोडक्शन जो है वो भी बूम करने लगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ा, साथ ही साथ बुक प्रोडक्शन भी बढ़ी, प्रिंट कल्चर फर्दर एक्सपैंड होने लगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू फ्रेंड्स। अभी हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर, जहां पर अभी हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है फ्रेंड्स कि क्या लिटरेचर वैसे ही रहा जैसे वो पहले था? क्या हम बेसिकली ये रोमांटिक पोएम्स, प्लेज, फिक्शनल नैरेटिव्स, क्या हम इन्हीं पर टिके रहे या कुछ आगे और चेंजेस भी आए पॉपुलर लिटरेचर में? फ्रेंड्स, पॉपुलर लिटरेचर और प्रिंट में चेंजेस आए। अब ये क्या चेंजेस थे, हम ये देखने वाले हैं। बेसिकली बुक सेलर्स, जैसे जैसे उनका मार्केट बढ़ने लगा, वैसे वैसे उन्होंने कुछ पर्टिकुलर लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, जो ये छोटी छोटी बुक्स ले जाते थे और विलेजेस में बेचते थे। इनका नाम होता था पेडलर्स, दे वर बेसिकली पेडलर्स, क्योंकि ये साइकिल्स यूजुअली यूज करते थे, इसलिए इन्हें पेडलर्स कहा जाता था। सो ये बुक सेलर्स द्वारा एम्प्लॉयड कुछ लोग होते थे, जो ये छोटी छोटी पॉकेट बुक्स लेकर कैरी करके विलेजेस में उन्हें बेचते थे, सेल देम इन द विलेजेस। Almanacs, ritual calendars, ballads and folk tales were printed and sold. तो अब almanacs, ritual calendars, ये भी ballads और folk tales के साथ साथ बिकने लगे, साथ साथ प्रिंट होने लगे। बेसिकली almanacs जो थे, ये आपको एक astronomical अकाउंट बताते थे कि मून, सन, अर्थ, planets, इन सब के अरेंजमेंट के बारे में ये almanacs बताते थे। और ritual calendars मतलब जो different events, religious events का कैलेंडर होता था, उसे रिचुअल कैलेंडर कहते थे। सो बेसिकली ये सब चीजें भी प्रिंट होने लगी अलॉन्ग विद बैलेड्स एंड फोक टेल्स। तो न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर केम इन टू प्ले। द रीडिंग मैटर फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम बिगैन रीचिंग ऑर्डिनरी पीपल। पहले पहले ये जो एंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग मैटर होता था, ये यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड रहता था। ज्यादातर ये जो एलीट क्लासेस या एरिस्टोक्रेट्स होते थे, यही ये रीडिंग मैटर यूज कर पाते थे फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन अब इस टाइम पे ऑर्डिनरी पीपल में भी ये रीडिंग मैटर स्प्रेड होने लगा। ठीक है, इसके कुछ दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एक है, इंग्लैंड में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बुक पॉपुलर होने लगी, जिसको कहा जाता था द पेनी चैप बुक। ये पेनी चैप बुक आप यहां देख सकते हैं, ऐसी होती थी, और बेसिकली छोटी छोटी पतली पतली पॉकेट बुक्स होती थी। इन्हें पेनी चैप बुक्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये एक पेनी में बिकती थी, और इसलिए ये पुअर लोग आसानी से इसे खरीद पाते थे। ठीक है, बेसिकली ये चैपमैन करके कोई लोग होते थे, चैपमैन्स होते थे या चैपमैन होते थे, ये इन्हें बेचते थे विलेजेस में जाके, टाउन्स में जाके इन्हें बेचते थे फॉर वन पेनी ओनली टू द पुअर पीपल। एंड विद दिस द प्रिंट कल्चर विद इन द पुअर कम्युनिटीज ऑल्सो एक्सपैंडेड। ठीक है, ये थी इंग्लैंड की बात। फ्रांस में एक दूसरे तरह की बुक का स्प्रेड देखने को मिला, जिसका नाम होता था बिलियोफिक ब्लू। बिलियोफिक ब्लू एक और टाइप ऑफ लिटरेचर होता था, जिसका पिक्चर आप यहां देख सकते हैं। ये भी पॉकेट बुक्स की तरह ही होती थी, बहुत छोटी होती थी, लेकिन इनका क्वालिटी ऑफ पेपर बहुत लो होता था, और ये ब्लू कवर्स में बाउंडेड होती थी। क्योंकि ये ब्लू कलर्स में बाउंडेड होती थी, इसलिए इनका नाम ब्लू पड़ गया। ब्लू फ्रेंच में होता है ब्लू, तो बेसिकली ब्लू कवरिंग होती थी, इसलिए बिलियोफिक ब्लू। छोटी छोटी बुक्स होती थी, पॉकेट बुक्स, ये एक्सपैंड की गई फ्रांस में। अगेन इन द पुअर कम्युनिटी इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा हुआ।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू फ्रेंड्स. इसी टाइम के दौरान रोमांसेस एंड हिस्ट्रीज ऑल्सो बिकेम पॉपुलर. इस टाइम पे जो रोमांसेस और हिस्ट्रीज, ये जो जॉनर्स थे, ये भी पॉपुलर लिटरेचर का एक हिस्सा बन गए, ये भी पूरे कम्युनिटी में स्प्रेड होने लगे और ये भी बहुत चाव से पढ़े जाने लगे. क्लियर? आई होप दिस इज एब्सोल्यूटली क्लियर टू यू फ्रेंड्स. ठीक है, तो ये हो गई बात की कैसे पॉपुलर लिटरेचर के फॉर्म्स में भी चेंजेस आए. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि अभी क्या ये हम एंटरटेनमेंट पर्पसेस तक ही रखा हमने प्रिंट को? आज तो हम प्रिंट कितने पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, सबसे बड़ा पर्पस तो है न्यूज़पेपर्स. तो फ्रेंड्स आप ये पूछते होंगे, सर ये न्यूज़पेपर कहां से आए भाई, न्यूज़पेपर कब आए? इसी टाइम तो आए फ्रेंड्स न्यूज़पेपर्स. सो दिस टाइम वॉज द टाइम फॉर द पीरियोडिकल प्रेस. So, इसी टाइम पर पीरियोडिकल प्रेस का भी यूज होने लगा. इट डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी. अर्ली 18th सेंचुरी से ये पीरियोडिकल प्रेस डेवलप होने लगी, जिसको आज हम न्यूज़पेपर्स कहते हैं, जर्नल्स कहते हैं, मैगजीन्स कहते हैं. एंड दिस कंबाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट कंबाइंड करंट अफेयर्स एंड एंटरटेनमेंट. करंट अफेयर्स और एंटरटेनमेंट को इसने कंबाइन करके प्रेजेंट करना शुरू कर दिया. ठीक है, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स इस टाइम पर आने लगे. दे केम अप एंड दे कवर्ड मेनी थिंग्स. दे कवर्ड वॉर, दे कवर्ड ट्रेड एंड ग्लोबल अफेयर्स. वॉर, ट्रेड और ग्लोबल अफेयर्स, कंट्रीज के बीच के रिलेशंस और पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. यहां पर न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स ऐसा सब कुछ कवर किया करते थे और ये बिगिनिंग था ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑफ द मीडिया, ऑफ द प्रिंट मीडिया. क्लियर? तो ये हो गई प्रिंट मीडिया की बात. प्रिंट मीडिया भी इस टाइम पे काफी पॉपुलराइज होने लगा. ठीक है, तो ये बात हो गई प्रिंट मीडिया की. तो आप पूछोगे, सर अभी तो हम प्रिंट कल्चर को साइंस और फिलॉसफी में भी देखते हैं. नहीं देखते? आप देखोगे साइंस, फिलॉसफी. आपने कई बार सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन पब्लिश्ड हिज थियरी, आइजैक न्यूटन पब्लिश्ड हिज थियरी. इतने लोगों ने अपनी थियरीज पब्लिश की. तो सर उस टाइम भी प्रिंट कल्चर हो गया था? यस फ्रेंड्स, उस टाइम भी प्रिंट कल्चर स्टार्ट हो गया था, साइंस एंड फिलोसफी. सो प्रिंट का यूज साइंटिस्ट और फिलोसफर्स ने भी खुलकर किया, खुलकर यूज किया प्रिंट कल्चर का. एंड द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स बिकेम मोर एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल. इस टाइम पर कॉमन पीपल के लिए ये साइंटिस्ट की आइडियाज, फिलोसफर्स की आइडियाज, जो पहले काफी काफी रिस्ट्रिक्टेड रहते थे, अब ये भी कॉमन पीपल के लिए एक्सेसिबल होने लगे. कॉमन पीपल भी अब इन्हें एक्सेस करने लगे. साइंटिफिक टेक्स्ट, डायग्राम्स एंड मैप्स, ठीक है, डायग्राम्स, टेक्स्ट एंड मैप्स, दे वर वाइडली पब्लिश्ड. इन्हें वाइडली पब्लिश किया गया, वाइड रेंज पर लोगों ने इन्हें पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, और फिलोसफी और साइंस में लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया. आइजैक न्यूटन, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, न्यूटन थ्री लॉज ऑफ मोशन, 11th स्टैंडर्ड में बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर है. आइजैक न्यूटन, वोल्टेयर जो एक फिलोसोफर थे, जॉन जाक रूसो, ये भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स को गति दी थी, स्पीड दी थी और एनकरेजमेंट दी थी. ये जो वर्क्स थे, दे वर ऑल्सो वाइडली प्रिंटेड एंड रेड. इन्हें भी वाइडली प्रिंट किया गया, वाइडली रेड किया गया. बहुत ज्यादा ये जो बड़े बड़े इंफ्लुएंशियल नेम्स थे इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड फिलोसफी, देयर टेक्स्ट, देयर वर्क्स वर ऑल्सो वाइडली रेड. क्लियर? तो फ्रेंड्स अभी ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलोसफी का काम, फिलोसफी प्रिंट कल्चर में इंट्रोड्यूस होने लगी थी, इसके कारण लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज होने लगी. और पॉलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज होने लगी, कंट्री के पॉलिटी के बारे में इंटरेस्ट इंक्रीज होने लगा, और बाद में अभी हम देखेंगे कि कैसे उसने कंट्री के पॉलिटिक्स को, कंट्री के रेवोल्यूशंस को कितना ज्यादा अफेक्ट किया, हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स. बट ये बात अभी अभी आप अपने दिमाग में रख लीजिए, सो दैट लेटर ऑन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो फिलोसफी और साइंस का रोल भी काफी बढ़ने लगा इस पीरियड में इन प्रिंट कल्चर. फिर फ्रेंड्स एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई. वो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अब बुक्स का रोल केवल एज अ टेक्स्ट नहीं रहा, बुक्स का रोल एक्सपैंड हो गया. बुक्स का रोल बहुत एक्सपैंड हो गया फ्रेंड्स, और बुक्स का रोल एक्सपैंड हो गया टू अ पॉइंट वेयर दे वर कंसिडर्ड लिबरेटर्स. बुक्स को लिबरेटर माने जाने लगा, एनलाइटनर माना जाने लगा, बुक्स को माना जाने लगा कि वो हमें पूर्णतः आजादी ला सकते हैं, फ्री थिंकिंग ला सकते हैं, लिबरेशन ला सकते हैं, एनलाइटनमेंट ला सकते हैं, और बुक्स को लिबरेटर के तौर पर देखा जाने लगा. By mid-18th century, people began to feel that books are a means of attaining enlightenment and progress.
एनलाइटनमेंट और प्रोग्रेस का एक तरीका बुक्स को देखा जाने लगा, उन्हें देखा जाने लगा कि ये तो हमारे लिए एनलाइटनमेंट ला सकते हैं, प्रगति ला सकते हैं, प्रोग्रेस ला सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं, दे कुड लिबरेट सोसाइटी एंड ब्रिंग पीस, आजादी ला सकते हैं, सोसाइटी को आजाद कर सकते हैं और शांति ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं बुक्स के और प्रिंट कल्चर के और कितना ज्यादा सोशल अटैचमेंट लोगों में देखने को मिला था। इसका एक क्लियर एग्जांपल दिखता है एक फ्रेंच नॉवलिस्ट में। फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एक जिनका नाम था लुईस मर्सिए। लुईस मर्सिए एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, 18 सेंचुरी के फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, और इन्होंने अपनी बुक्स में, अपने नॉवेल्स में अपने हीरोज को बुक्स के द्वारा ही ट्रांसफॉर्म किया। वो ये कहते थे कि भाई मेरे नॉवेल में, उनकी नॉवेल्स ऐसी होती थी कि हीरो कोई बुक पढ़ता था, बुक पढ़ के उसे एनलाइटनमेंट मिल जाता था, वो पूरी तरह परिवर्तित हो जाता था, उसका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता था, ही यूज्ड टू बिकम अ हीरो बाय रीडिंग द नॉवेल। तो ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज हीरोज इन हिज नॉवेल्स बाय एक्ट्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग करके, पढ़ने के बाद, प्रिंट पढ़ने के बाद, नॉवेल्स पढ़ने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद, उसमें अचानक से चेंज आ जाता था। तो ये लुईस मर्सिए अपनी नॉवेल्स में रिप्रेजेंट किया करते थे। ये बेसिकली कन्विंस हो चुके थे कि प्रिंट और बुक्स एनलाइटनमेंट ला सकते हैं, वो प्रगति ला सकते हैं, प्रोग्रेस ला सकते हैं, लिबरेशन ला सकते हैं। लुईस मर्सिए पूरी तरह इसके पक्ष में थे, पूरी तरह इसके सपोर्ट में थे कि बुक्स ही ये काम कर सकती हैं। क्लियर? और उन्होंने कॉन्स्टेंटली ये भी बात पे स्ट्रेस किया कि बुक्स ही हैं जो कंट्री को एब्सोल्यूट मोनार्की या डिक्टेटोरियल रूल से आजादी दिला सकते हैं। ये भी इन्होंने अपने नॉवेल्स में हाईलाइट करने की कोशिश की। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अपने माइंड में रखिएगा। ही ट्राइड टू से, ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज नॉवेल्स दैट इट इज ओनली थ्रू बुक्स एंड प्रिंट that liberation can be brought, equality can be brought, fraternity can be brought, liberty can be brought, and ultimately, yes, absolute rule and dictatorship can be removed from the world. So, ye ek bahut important point tha jisne future political scenarios ko gati di, progress diya aur usko shape kiya. Clear? Aur friends, abhi फ्रेंच की बात आ गई है, फ्रांस की बात आ गई है, हमने इतने फ्रांस की बात कर ली, हमने इतना लिबरेशन की बात कर ली, हमने इतना एनलाइटनमेंट की बात कर ली, कि अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं उठती। द रेवोल्यूशन विच ब्रॉट डेमोक्रेसी टू द वर्ल्ड, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी टू द वर्ल्ड, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रिंट कल्चर से क्या लेना देना था, यह भी अभी समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। तभी मैंने आपको बहुत देर से यह कहता जा रहा हूं, कही जा रहा हूं मैं, फ्रेंड्स अंडरस्टैंड that print culture had a major role to play in shaping political opinions and philosophies. Ye Louis Mercier ne bhi kiya, ye pehle ke novelist ne bhi kiya tha, aur ab iska French Revolution par kya impact pada, wo hum padhne wale hain. Basically, ye argue kiya jata hai ki print culture hi hai jisne French Revolution ka background banaya. Ye bahut baar kaha jata hai, bahut novelists, bahut historians, bahut philosophers kehte hain ki print culture ne hi French Revolution ka background banaya. Aur इस चीज को सपोर्ट करने के लिए तीन आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली तीन आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं इस क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए। पहला आर्ग्यूमेंट यह रखा जाता है फ्रेंड्स की, दैट प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स एंड मेड पीपल बिलीव इन दोज आइडियल्स। बेसिकली प्रिंट कल्चर ने यह इंपॉर्टेंट काम किया कि उसने कहा कि एनलाइटनमेंट प्रिंट से ही आ सकती है, एनलाइटनमेंट थिंकर्स के जो थॉट प्रोसेसेस थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रंटर्निटी, जों जाक रूसो का आप एग्जांपल ले लें, है ना, आप वॉल्टेयर का एग्जांपल ले लें, ये लोग फिलोसोफर्स थे, सोशल थिंकर्स थे, और इन्होंने ही तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स को बनाया था। कैसे बनाया था? अपने आइडियल्स के द्वारा, अपने थॉट्स के द्वारा, जो इन्होंने प्रिंट के तौर पर पॉपुलराइज किए थे। तो बेसिकली print popularized the ideas of enlightenment thinkers and made people believe in those ideals. Liberty, equality, fraternity, aise ideals aaye kahan se logon ke dimag mein? Inhi print se to aaye, print culture se hi to aaye, printed books, printed novels, printed material se hi to aaye. Ye samajhne wali baat hai. So ek to ye baat hogi ki they popularized the idea of enlightenment. Second baat ye ho gayi friends ki print created a new culture of dialogue and debate. Print jab aaya, प्रिंट जब इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों में डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डिफरेंट सोसाइटी में जो चेंजेस आनी चाहिए, सोसाइटीज में जो परिवर्तन आने चाहिए, जो बेसिकली पॉइंट्स रेज होने चाहिए, जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो अपने व्यू पॉइंट्स देने चाहिए, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया प्रिंट ने।
प्रिंट के द्वारा लोग अपने व्यूज पॉपुलराइज कर सकते थे, लोग अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते थे, अपने अपने जो भी थॉट प्रोसेसेस हैं, अपनी जो भी फिलॉसफीज हैं वो आगे रख सकते थे, और इसके कारण डायलॉग और डिबेट स्टार्ट हुआ। डायलॉग और डिबेट के कारण क्या स्टार्ट हुआ, अल्टीमेटली लोगों में कंसेंसस बना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होनी चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आनी चाहिए। तो सच आइडियल्स वर पॉपुलराइज थ्रू डायलॉग एंड डिबेट विच वॉज अल्टीमेटली क्रिएटेड बाय प्रिंट ओनली, राइट। और थर्ड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि बाय 1780s तक, आपको पता है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन आए थे, बेसिकली ये ईयर नहीं है सॉरी, 1770s से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बैकग्राउंड है वो बनने लगा था। 1780s में तो वो बहुत ज्यादा बनने लगा, एंड बाय 1780s जब फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने पीक टाइम पर था, लिटरेचर विच वॉज क्रिटिकल ऑफ द रॉयल्टी criticized their morality came to be popular. ऐसे literature popularize होने लगा जहां पर royalty जो कि aristocrats हैं, kings हैं, rulers हैं, उनकी आलोचना करता था, उनका criticism करता था और उनकी जो morality है उस पर सवाल उठाता था, उसे criticize करता था। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचने में आया था, ऐसा करने में आ गया था कि basically royalty अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, अपने सेल्फिशनेस के लिए काम करती है, और जब भी कॉमन पीपल को प्रॉब्लम्स होती हैं वो कभी उनकी हेल्प नहीं करती, वो सिर्फ अपने आप के हेल्प करती हैं। दे डू नॉट हेल्प, द रॉयल्टी डज नॉट हेल्प द कॉमन पीपल इन डिस्ट्रेस, दे आर ऑलवेज सेल्फिश, दे ओनली थिंक ऑफ देयर ओन नीड्स। ऐसे लिटरेचर को पॉपुलराइज किया गया 1780s में, और अगेन इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड बनाया। तो फ्रेंड्स आप यहां चीज आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी अगर ने प्रिंट कल्चर ने ही गति दी है, प्रिंट कल्चर ने ही स्पीड दी है, प्रिंट कल्चर ने ही पुश दी है, तो जस्ट अंडरस्टैंड प्रिंट हैड इमेंस पावर। इट हैड द पावर टू क्रिएट रेवोल्यूशंस, इट हैड द पावर टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म, इट हैड द पावर टू ब्रिंग ग्रेट ग्रेट सोशल इवेंट्स, एंड इट हैड द पावर टू शेप पब्लिक ओपिनियन, नॉट डायरेक्टली बट बाय गिविंग देम अ मींस to expand their thoughts, to think differently, and in that way they used to shape public opinion. और ये सब कहां से start हुआ? एक छोटे से reading की practice से, reading की practice से start हुआ, और reading की practice से